अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा खासा सब प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन ये वकील डीएनए का बुक फोड़ दिया मेरे सर पे। पागल, इसने तो बस तुलसी मेरा काम खराब करती थी, अब पूरी दुनिया मेरा काम खराब कर रही है। ये इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? थैंक यू बप्पा सेठ, मेरा आइडिया काम कर गया। ये लो, मैं आपके लिए लड्डू लाई हूँ। मुझे घर में जाना मना है, वरना मैं आपकी मूर्ति पे चढ़ाती। ये कौन से प्लान के बारे में बात कर रही है? मैं कहती तो कोई नहीं मानता, पर वकील सेठ ने बोला तो सब जज से मान गए। थैंक यू पप्पा सेठ, वो वकील सेठ को पट्टी पढ़ाने का आइडिया मस्त दिया। हाँ आपने, अब बस डीएनए टेस्ट हो जाए और वृंदा का सच जानकुमार सेठ के सामने आ जाए। इसे वृंदा के बारे में सब पता है? नहीं, तुलसी की बच्ची को मैं भनक नहीं लगने देना चाहती कि मैंने सब सुन लिया। ये तो फिर से मेरा काम खराब कर देगी। ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, डीएनए टेस्ट भी रोकूंगी और तुलसी को घर से बाहर भी भिजवाऊंगी। मैं वृंदा को हॉस्पिटल लेके 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप किसी हॉस्पिटल स्टाफ को मेरे घर भेज सकते हैं? एक्चुअली किसी और का भी डीएनए टेस्ट करवाना है। ये इस केस से रिलेटेड है? नहीं, वो इस केस से रिलेटेड नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है, वो मैं आपको मिलके बताऊंगा। श्योर, मैं असिस्टेंट भेजता आपके घर पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भैया इतनी जल्दी आप जीत की खुशी मत मनाओ, छोटे सेठ और छोटी सेठानी है, वो इतनी आसानी से नहीं होने देंगे डीएनए टेस्ट। पंटी भैया, वो लोग कुछ ना कुछ घपला जरूर करेंगे, अगर वृंदा का सच सबके सामने आ गया ना तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। अरे तुलसी मेरी बच्ची, तुझे क्या तेरा बंटी भैया ऐसा कच्चा खिलाड़ी लगता है? नहीं रे, दुश्मन के खेमे में नजर रखने के लिए हमारे सिपाही पहुंच चुके हैं। मतलब? अरे वो कल्याणी नहीं थी क्या रे? कौन कल्याणी? अरे वो जो सेठ के घर पे नौकरानी थी, उसको मैंने ज्यादा पगार का लालच देकर अनिमेश भैया के घर पे सेट कर दिया है। अब उस घर में काम वाले बन के जाएंगे हमारे खबरी। कौन? अरे बताओ कौन? रे 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 रे। राम राम जी। कौन हो तुम लोग? हम कजरी। आपकी कल्याणी भाग गई ना, तो उसकी जगह हम आए हैं। वो क्या है ना, आप अमीर लोग माँ बाप भाई बहन के बिना तो रह सकते हो, पर हमारा मतलब है भाई के बिना नहीं रह सकते ना। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी काम वाली भाग गई? बहुत कड़क नेटवर्क है हमारा, सब चीज की खबर रहती है हमें। बातें ही बना लेती हो या फिर काम भी कर लेती हो? डूडू यस यस। हाँ आप बस ऑर्डर कीजिए, हम झाड़ू कटका तो ऐसे लगाते हैं कि फरस पे सकल दिख जाए, और चाय चाय तो हम ऐसी बनाते हैं कुंभकर्ण जाग के आ जाएगा, और खाना ओए होए आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये कौन है? ये हमारा छोटा भाई डमरू, गाँव से आया है अंग्रेजी सीखने। इंग्लिश स्पीकिंग विलेज कम, आई नो यू नो। वो क्या है ना माजी, छोटा है ना तो अकेले तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए साथ आया करेगा।
पर आपको कोनो दिक्कत नहीं देगा, एकदम कोने में बैठ के चुपचाप पढ़ता रहेगा, आपको इसके होने की खबर भी नहीं पड़ेगी। कॉर्नर स्टडी। मुझे काम एकदम परफेक्ट चाहिए। क्या परफेक्ट प्लान बनाया बंटी भैया? मान गए, पर इसमें कजरी दीदी और गमला से बड़ी सेठानी के डर से कहीं गलती ना हो जाए। और कोई गलती नहीं है? अरे गलती का तो कोई चांस ही नहीं है तुलसी, वो गमला और कजरी को ट्रेनिंग किसने दी है? बंटी भैया, अरे अब वो चूहे बिल्ली की एक एक हरकत पर हमारी पैनी नजर रहेगी और पल पल की खबरें हमें मिलती रहेगी, और वो देगा कौन? कजरी दीदी और गमला। अरे क्या है, इसी वक्त पे आना था। इधर था, खुल 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 खुल। सेठ। तुलसी आई। हेलो बेटा। हेलो। सेठ क्या हुआ? ये आपका डीएनए टेस्ट करेंगे। सेठ आप मेरा डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हो? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके मम्मी पापा को ढूंढूंगा, बस इसीलिए, ताकि जब आपके मम्मी पापा मिले तो मैं ये डीएनए टेस्ट उनसे मैच करूंगा, ताकि पता चल जाए कि वो आपके असली मम्मी पापा हैं भी या नहीं। ऐसे ही थोड़ी आपको किसी के साथ भेज दूंगा। आप करो बेटा, मुंह खोलो। बच्ची का नाम क्या है? तुलसी। सरनेम? सरनेम क्या होता है? सरनेम मतलब आपकी पहचान, उससे पता चलता है कि आप किस परिवार से हो। वो मुझे नहीं पता। एक नाम के और भी बच्चे हो सकते हैं, सैंपल मिक्स ना हो इसलिए सरनेम जरूरी है। नर्स आप रायचंद लिख लीजिए, जब तक तुलसी के मम्मी पापा नहीं मिलते तब तक ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। नर्स, वो सैंपल आप मुझे दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, डॉक्टर को खुद दे दूंगा। थैंक यू। तुलसी भगवान करे तेरा डीएनए किसी अरब पति परिवार से मैच हो जाए, तुलसी तेरी लाइफ सेट हो जाएगी रे। ले लिया ना सैंपल? तुलसी रायचंद? पूरा नाम पता नहीं था तो मैंने रायचंद लिखवा दिया। कितना अच्छा होता ना अगर सच में तुलसी हमारी। काश ऐसा होता कि जानकी माँ और सेठ मेरे असली में माँ बाप होते। तुलसी मैंने तो काश कहा था, तू इसे हकीकत समझ बेटी। तेरे सेठ और हमारे बीच में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो मालिक और नौकर का हो सकता है। कहाँ वो महलों में रह रहे हैं और कहाँ तू ये सर्वेंट क्वार्टर में रह रही? ये हमारी कड़वी सच्चाई है, तू इसे झुटला नहीं सकती है। तू ये सपने देखना बंद कर दे। पता नहीं रघु बार बार क्यों ये ख्याल मेरे मन में आता है कि काश तुलसी हमारी बेटी होती, सब कुछ कितना अच्छा होता ना। मैं भी यही चाहता हूँ जानकी, कि तुलसी के साथ मेरा डीएनए सैंपल मैच हो जाए। तुलसी है ही इतनी प्यारी। चले। बीबी, ये तुम क्या तीर मार मार के तुलसी पे गुस्सा निकाल रही हो? ये सब छोड़ो, तुलसी को छोड़ो, वो डीएनए टेस्ट वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो सोचो बीबी। ये डीएनए टेस्ट वाली प्रॉब्लम भी तुलसी ने ही खड़ी की है। क्या मतलब? तुलसी को वृंदा के बारे में सब कुछ पता है, पता नहीं कैसे, और उसी ने वकील को डीएनए टेस्ट वाला आइडिया भी दिया है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ राकेश,
इसीलिए तुलसी और डीएनए टेस्ट दोनों को ही रोकना होगा हमें। इस तुलसी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दे। लेकिन बेबी ये सब करेंगे कैसे? डीएनए टेस्ट कैसे रुकवाना है उसका आइडिया है मेरे पास। हॉस्पिटल जाके वो काम तुम करोगे राकेश, यहाँ पे तुलसी का इंतजाम मैं करूंगी। सीधा जेल जाएगी ये दो फुट की लड़की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माँ, अभी भी वक्त है। कहिए रघुवीर भैया से, समझाइए उन्हें कि डीएनए टेस्ट को रोकिए। ये बातें कितनी भी छुपा लो माँ, छुपती नहीं है। स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल को ऐसे पता चल जाएगी। क्या मुंह दिखाएगी आप सबको? हाँ, सब बोलेंगे कि विमला जी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सबके गारंटी कार्ड बनते हुए देखा था, सुना था। लेकिन आप तो पोती का ही गारंटी कार्ड बनवा लाए। कजरी बोल, क्या खबर है? पंडित भैया, ये चूहा ना बड़ी सेठानी के कान भर रहा है, आप जल्दी आ जाओ। इस चूहे को ना मैं काट दूंगा, मैं तो क्यों ना था। समझ। मैडम जी, ये रघुवीर साहब के ऑफिस का फाइल रह गया है, वो देने आए हैं। हाँ तो इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? यहाँ रखो और जाओ। जी जी। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ माँ, हम तो झेल लेंगे, सुन लेंगे, सह लेंगे, लेकिन वृंदा का क्या? छोटी सी बच्ची है वो माँ, स्कूल जाएगी कल जाके, सब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे चिढ़ाएंगे। ये डीएनए टेस्ट उसकी अग्नि परीक्षा बन जाएगी माँ। बात तो तेरी सच है। लेकिन रघु ही नहीं मानेगा। मैडम जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर हम कहा सोच रहे हैं कि स्कूलवा में बच्चा लोग जो है वो ये भी तो बोल सकता है ना कि वृंदा जो है वो 6 साल के बाद अपने माँ बाप को मिली है, तो ये वृंदा बेबी असली है कि नहीं। ये सारी बच्चा लोग की बातें सुन सुन के वृंदा बेबी के मन मगज में कितना प्रेशर पड़ेगा, ये बात तो सोचिए। हमको लगता है कि डीएनए का जो टेस्ट है वो करवा। तुझसे पूछा किसी ने? किसी ने तुझसे राय मांगी? नहीं ना, जाओ और अपना काम करो, जाओ। जाते वैसे बात तो ये भी ठीक कह रहा था राकेश। माँ आप एक ड्राइवर की बातों में आ रही हो। नहीं राकेश, कल को जब वृंदा बड़ी होगी तो उस पर उंगलियां उठाने वाले बहुत आ जाएंगे। उनका मुंह बंद करने के लिए कोई ना कोई सबूत तो चाहिए ना हमें। डीएनए टेस्ट होने दे। चॉकलेट आइसक्रीम अपनी झोपड़पट्टी गुड़िया के बाल के आगे कुछ नहीं है मामू। थैंक यू। सपास मेरी बच्ची, अब तू झोपड़ पट्टी की बात करना छोड़ दे। तू तो अब इस महलों में राज करेगी जिंदगी भर। इनके करोड़ों की जायदाद की वारिस है अपनी चमेली। वो सब भूल जाओ मामू। ये उर्मिला आंटी और राकेश अंकल, उन्हें कुछ नहीं आता। हम सबका भांडा फूटने वाला है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये नकली पापा ना मेरा डीएनए टेस्ट कराने वाले हैं। मैंने सुना था उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं उनकी नकली वृंदा हूँ, और फिर से ये बुढ़िया का बात और बड़ा पाव खाना पड़ेगा। अरे तेरे मामू के रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं राकेश को सीधा कर दूंगा, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो ताई आएगी, और अगर ताई आ गई ना तो राकेश और उर्मिला दोनों को ठीक कर देगी। अब तुम बुढ़िया के बाल खाओ, फिकर मत करो।
इन नए नौकरों की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। सिटी हॉस्पिटल में जो आज डीएनए टेस्ट होने वाला है उसे रोकना पड़ेगा राकेश, टाइम कम है। सिटी हॉस्पिटल चलो, जल्दी चलो। अरे भाई कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम, आराम से चलाओ। जब तक दो चार हड्डियां ना टूटे तब तक हॉस्पिटल जाने का मजा ही कैसा है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, लाला लाला तू? हाँ मैं। तू अपनी बातों से लोगों को बहुत घुमाता है ना, अब मैं तुझे घुमाता हूँ दौर की सड़कों पे। लाला 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 क्या कर रहा है तू, मर जाऊंगा मैं लाला, ए तू भी मरेगा मेरे साथ। मैं तुझे पैसा दूंगा और पैसा दूंगा। तू वृंदा जब तक जाएगा तो उसके नाम नहीं हो जाते, मैं कैसे पैसे दे सकता हूँ। लाला लाला घड़ी कले लाला क्या क्या कर रहा है तू लाला? ये तो अभी ट्रेलर था, इस बार तो तू जिंदा बच गया। लेकिन अगर चमेली का डीएनए टेस्ट हुआ ना और उसको घर से बाहर निकलना पड़ा तो अगली बार तुझे ऐसी फिल्म दिखाऊंगा उसमें गाड़ी रुकेगी नहीं, उसकी स्पीड बहुत तेज होगी और तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे, हाथ कहीं पैर कहीं, समझा? नर्स मिस्टर रघु, ये डीएनए टेस्ट का कंसेंट फॉर्म है, इस पर आपके साइन चाहिए थे प्लीज। पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे टेस्ट नहीं करवाना। वृंदा बेटा डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस आ करना और नर्स जो है वो आपका एक मिनट में सैंपल ले लेंगी। ओके चलो ओपन योर माउथ, आ करो। वृंदा आ करो बेटा। हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं, आज मुझे जो करना पड़े ये डीएनए टेस्ट मैं नहीं होने दूंगा। वेरी गुड राकेश, तुम वहां पे डीएनए टेस्ट रुको और मैं यहां पे तुलसी का खेल खत्म करती हूं। ठीक है बेबी, रखता हूं, बाय। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नट के सारे शानदार एपिसोड्स। हो गया ना, सिंपल था। ऑल द बेस्ट भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया मैं यहीं से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी यही अचानक से पंचर हो गई, फिर मैंने देखा कि ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ भैया आज डीएनए टेस्ट के लिए आने वाले हैं। भगवान ने मुझे इशारा किया कि बेटा जा अपने बड़े भाई की मदद कर, उसके साथ खड़ा रहे, कि उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। तो मैं यहाँ आ गया। भैया सब कुछ ठीक है ना? कोई इतना बड़ा काम नहीं था, सैंपल ही देना था।
उस सैंपल को ही तो बदलने आया हूं भैया। ये चूहे के दिमाग में बहुत डेंजर खिचड़ी पक रही है बंटी। इधर ये कुछ तो कांडी करने आया है, तेरे को करने नहीं दूंगा यार। मैंने दोनों सैंपल ले लिए हैं, मैं लैब में जाके सबमिट कर देती हूँ। थैंक यू। यस। इस सैंपल का भी डीएनए रिपोर्ट बना के रखेगा। ये मेरी एक पहचान की बच्ची का है, मैं उसके मां बाप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मिल जाएंगे तो उनसे मैच करने में काम आएगा। हो जाएगा। एक और हेल्प चाहिए थी आपसे डॉक्टर, क्या आप इस डीएनए सैंपल को मेरे सैंपल से मैच करा सकते हैं? ऑलराइट, हो जाएगा। थैंक यू। बच्ची का नाम क्या है? तुलसी। सरनेम? नर्स आप रायचंद लिख लीजिए। जब तक तुलसी के मम्मी पापा नहीं मिलते तब तक ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, तुलसी रायचंद। मम्मी जी, आपके कमरे की खिड़की से मैंने किसी को भागते हुए देखा, शायद कोई चोर था। मम्मी जी चल जल्दी चलकर देखते हैं। तू अभी के अभी अपने कमरे की तरफ जा। क्यों, क्या हुआ? ये बिल्ली तेरे को फंसाने का अलग प्लान कर रही है। इसने तेरी बड़ी सेठानी को बोला है कि तूने उनकी अलमारी से पैसे चुराए हैं